बेटा जैसा कहूँ वैसा काम हो जाएगा ना, भरोसा रखो। सर जवान का कच्चा नहीं हूँ और ना ही अपने काम का। गाड़ी ऐसे चलाता हूँ जैसे कि बंदूक की गोली। शाबाश, ये ले बेटा फोटो है इसमें, ध्यान से देख लेना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझे? रख लो अंदर। चिंता मत करो साहब, ऐसा उड़ाऊंगा कि काम तमाम हो जाए। काम तमाम नहीं करना है बे, सिर्फ हाथ पांव टूटने चाहिए बस। ऊपर नहीं अस्पताल पहुंचाना है। कहाँ पहुंचाना? अस्पताल। हाँ बस। मगर साहब एक्सीडेंट में थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो सकता है ना, और एक्सीडेंट कोई नाप तोल के धोता नहीं साहब। गाड़ी का टायर, हाथ पैर, मुंडी थोड़ी देखता है। आराम से बात कर बे, आराम से बात कर। ये तुम्हारा लुकआउट है, क्या देखेगा वह देखेगा, मुझे नहीं पता भाई। ओके, जान नहीं जानी चाहिए बस। पर सर कौन है जिसकी जान की आपको इतनी चिंता है? माना कि अगर मर भी गए एक्सीडेंट में तो आप चिंता मत करो, आपके ऊपर एक भी आंच नहीं आई। मैंने क्या कहा तुमसे? जान नहीं जानी चाहिए बस, इतना याद रखो। वैसे ये है कौन सा? हमारी बीवी, हमारी बीवी। क्या क्या कह रहे हो सर? आपकी बीवी? मजबूरी है भाई, क्या करें। इसीलिए जितना कहा हूं उससे जरा सा भी ज्यादा कुछ हुआ उसे तो बेटा तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, समझे? जान नहीं जानी चाहिए बस। अरे उसी तो जान जान करके पुकारता हूं मैं, वही चली जाएगी, किसे पुकारूंगा तुम्हें? जान की कीमत समझ में आनी चाहिए, बस ये चाहता हूं मैं। और वो सिर्फ जिंदा रह के आ सकती है, मौत के मुंह से बचने के बाद, समझे? ऑन ओके प्लीज, क्या समझे? तो स्टीयरिंग पे कंट्रोल और ब्रेक पे पैर, बस थोड़ा सा दबाना है, ज्यादा नहीं। ओके, क्या है कि हमारी जान की जान नहीं जानी चाहिए। जी सर। रानी, ईशान का लंच रेडी है? हाँ मम्मी जी। और मीठे में क्या बना? मम्मी जी मूंग का हलवा बनाया है उर्मी भाभी ने। ओ, आज तो सब कुछ उर्मी भाभी ने खुद अपने हाथों से बनाया है उनके लिए। रानी सब हो गया? जी मम्मी। आपको कुछ चाहिए? नहीं, मैं देखने आई थी कि ईशान का टिफिन रेडी है कि नहीं, तो पता चला कि आज सब कुछ तुमने खुद अपने हाथों से बनाया है, तो स्पेशल लंच आज कुछ स्पेशल है? कुछ खास तो नहीं मम्मी, बस ईशान को जो जो पसंद है थोड़ा बहुत बनाया है। ईशान नाराज है तो पेट के रास्ते से मन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ वाओ, दैट्स सो स्वीट। तुम कितना कुछ कर रही हो ना ईशान को मनाने के लिए, कितने जतन कर रही हो, और वो है कि मानने को तैयार नहीं। मैंने बात की थी उससे, अजीब सा बिहेव कर रहा है, इतना जिद्दी वो नहीं था शादी के पहले, अब शादी हो गई तो देखो उर्मी को भगा रहा है अपने पीछे पीछे। टू बैड। अब बताओ तुमने उसे मनाना बंद कर दिया तो फिर क्या करेगा वो? सोच नहीं रहा है, वो पागल है, फिर वो भागेगा तुम्हारे पीछे? गलत है ना ये, तो कद्र नहीं करता तुम्हारी, गलत है। नहीं मम्मी, इस बार हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, तो मनाना तो हमें ही पड़ेगा। आप बस भगवान से प्रे कीजिए मम्मी कि उनका मन पिघल जाए। आप प्रे करेंगे ना मम्मी? हाँ हाँ ऑफ कोर्स। रानी सब हो गया? जी भाभी आप देख लो। ये क्या है? लेटर? बस यूं ही मम्मी, लेटर है। भाभी लव लेटर? तुम जाओ, जाकर बाहर काम करो। बात तो सुन नहीं रहे हमारी, तो कुछ लिख कर भेज रहे मम्मी।
कम से कम हमारी बात उन तक पहुंचेगी तो सही। अच्छा आइडिया है। अच्छा किया तुमने लेटर लिख लिया। नाइस। तीन बजे का टाइम दिया था। अब तक तो आ जाना चाहिए था। चार बज गए। पर पागल आदमी है, कुछ भी कर सकता है। लगता है एक आखिरी डोज देना बनता है। आ गया कमीनों के फूफा का फोन। हरामीपन का गोडाउन। कुत्ता निरंजन। हाँ बोलो यार। हाँ जी क्या हुआ? घड़ी ने भी साथ छोड़ दिया। भाई तीन बजे बोला था, बज गए चार। और कितनी देर निरंजन खन्ना करे तुम्हारा इंतजार? क्या मिस्टर राठौर चाहते क्या हो तुम? एक घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। तुम्हारे पास सिर्फ एक घंटा और है। इस एक घंटे में अगर तुम 10 लाख रुपए लेके आ गए तो बढ़िया है, और अगर नहीं आए तो फिर मिस्टर राठौर सारी जिंदगी मंदिरों के घंटे बजाते रहना, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। अबे सम्राट सिंह राठौर की पिक्चर के दो कौड़ी के विलन, ऐसा तुम ले जाओ हीरोइन, ले जाओ, क्योंकि आज ये हीरो एंट्री नहीं मारेगा। अबे क्या समझ लियो हमें, क्या समझ लियो? गाय के थन का दूध समझ लियो जो बछड़े के मुंह लगाते बाहर आ जाएगा। हाँ जी बेटा इंतजार करो, बहुत अच्छा होता है इंतजार करना, लेकिन कुछ उखड़ेगा नहीं। What? नहीं क्या कहा तुमने? Yes, my dear blackmailer. अच्छा तो ठीक है मिस्टर राठौर, फिर आज तुम तैयार हो ही जाओ। तुम्हारा कच्चा चिट्ठा, तुम्हारी पोल मैं तुम्हारी पत्नी के सामने आज खोल ही देता हूं। इसे कहते हैं विनाशकाल विपरीत बुद्धि। 10 लाख रुपए बचाने के चक्कर में बस सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जो तुम बॉम्बे से लेके आए हो ना, बहुत जल्द तुम्हारे हाथों से फुर्र होके उड़ जाएगी वापस। अरे 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 बौखला क्यों रहे हो? अपने माँ बाप के मनोरंजन के नतीजे निरंजन। अरे यार कैसा है? अभी बनाया 5 मिनट पहले, कैसा लगा? बढ़िया लगा ना, है कि नहीं? तुम चिंता तो ऐसे करो जैसे मुर्गी नहीं तुम हलाल हो रहे हो। अरे हमारी बीवी हम गवाएंगे, तुम्हें क्या चिंता हो रही? तुम चिल करो यार है? और बेटा जो भी है ना तुम्हारे पेट में सब बोल डालना आज, सब नमक मिर्च लगा के सब कुछ, मेरा सारा कच्चा चिट्ठा सब खोल देना हमारी बीवी के आगे। आ रही है तुम्हारे पास एक घंटे में। पागल तो नहीं हो गया है? क्या बोल रहा है? अच्छा तो ठीक है मिस्टर राठौर, तैयार हो जाओ, मैं सारे सबूत लेके आया, एक घंटे बाद सारे सबूत तानी के हाथ में होंगे और फिर तुम्हारे समाचार हमेशा हमेशा के लिए समाप्त। अरे हमें मिटा सके जमाने में दम नहीं, निरंजन कुत्ता है हम नहीं। ओ कुत्ते भाई साहब, तो ऐसा है आप कुछ भी करिए भाई, आपको जो सबूत दिखाना है दिखाइए, क्योंकि सम्राट सिंह राठौड़ को परवाह नहीं। ऑल द बेस्ट। हेलो सम्राट सिंह राठौर ही बोल रहा था, कोई और बोल रहा था? नहीं आवाज तो सम्राट सिंह की थी। तो हो क्या गया ऐसे? चींटी के पर कैसे निकल आए इसका पता तो लगाना पड़ेगा। क्या ऐसे कैसे हो सकता है? क्या कहा क्या उसने? उर्मी जी मैं भी हैरान हूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि सम्राट सिंह राठौर का डर आखिर गायब कैसे हो गया। नहीं बहुत ही कॉन्फिडेंस से उसने मुझसे कहा कि आई डोंट केयर, तुम्हें तानी को जो सुनाना है जो दिखाना है दिखा दो। निरंजन जी कुछ तो गड़बड़, सम्राट इस मामले को लेकर इतने बेफिक्र कैसे हो सकता है? जी वही 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 मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। निरंजन जी कहीं उसने तानी को भी तो पहला फुसला नहीं लिया? उर्मी जी मैं भी यही आंकड़े जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर सम्राट सिंह राठौर ने ऐसा किया क्या है, या फिर वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। हम तो जानते ही हैं
बहुत ही शातिर आदमी है, चुप थोड़ी बैठेगा। इसी बात की तो चिंता है कि आदमी शातिर बहुत है। अरे आप चिंता मत करिए, देखिए तानी मुझसे मिलने आने ही वाली है। आज या तो तानी सबूत समेत सम्राट का सच सुनेगी, या फिर हमारे प्लान के मुताबिक सम्राट मुझे हर हाल में मारने की कोशिश करेगा। और उर्मी जी, दोनों ही सूरतों में जीत हमारी ही है। आई होप निरंजन जी ऐसा ही हो। पता नहीं वो सम्राट का बच्चा क्या करने वाला। आप चिंता मत करिए उर्मी जी, मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। प्लीज डू दैट। क्या चल रहा है सम्राट सिंह राठौर, तुम्हारे शातिर दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? योर्मी तो पीछे ही नहीं छोड़ रही मेरे बेटे का, तो भड़काया उसे शांत इसके मन से निकल ही नहीं रहे, जैसे खोलकर पी गई हो उसको। सॉरी ईशान, कितनी बार और कैसे माफी मांगू तुमसे, प्लीज अब तो हमसे बात कर लो। तुम हमारी बात भी सुनने को तैयार नहीं हो, इसलिए लेटर लिखना पड़ रहा है। और हम मानते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत दिल दुखा है हमने तुम्हारा, पर प्लीज ईशान माफ कर दो हमें, और चाहे तो सजा दे दो, पर इस तरह नाराज मत रहो। तुम्हारी और नाराजगी हमसे देखी नहीं जा रही है, प्लीज फॉरगिव मी माय फुट। खाना खिलाकर मेरे बेटे को पटाना चाहती, पेट के रास्ते दिल तक पहुंचेगी, मैं भी देखती हूँ कैसे। अब ईशान ये लेटर पढ़ेगा और जो मैंने लिखा है, ऑफ कोर्स तुम्हारे बिहाफ, क्योंकि हार तो मैं भी नहीं मानूंगी। ऑल द बेस्ट। तानी, माय डार्लिंग, माय बेबी डॉल, माय जान, कहाँ हो तुम? कहाँ हो? बेटा, जी कहाँ लाए हो? हमको दिखाओ। जहर है। खाएंगी? हम कहाँ खाएं? तुम खाओ। बात करते हो, जहर खाओगी? अरे ले लो भाई, वैसे ही बुढ़ापा आ गया, निकल लो ऊपर पहले। ले लो। तानी डा। अय शाबाश। जा रही हो मेरी एटीएम मशीन उस बेवकूफ निरंजन से मिलने? जाओ। कितनी भोली हो यार तुम, जिसने हमें बेवकूफ समझ लिया। बताओ बेबी डॉल, देखो मैं क्या लाया तुम्हारे लिए। चीज केक, तुम्हारा फेवरेट, लो खाओ। बूढ़ी बाबा, केक तुम खाओ सम्राट, एंड डोंट टॉक टू। अरे बेबी डॉल, माफ कर दो यार, प्लीज फॉर गॉड्स सेक। ये छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं शादी में भाई, ये तो प्यार की निशानी होती है कि नहीं? सम्राट प्लीज ये नाटक बंद करो, हटो प्लीज। तुम लग रहा मैं नाटक कर रहा हूँ? मेरी जान जा रही, तुम लग रहा मैं नाटक कर रहा हूँ? तुम मार लो मुझे, तुम भरता बना दो, मेरी जान ले लो, प्लीज मार दो मुझे, लेकिन ऐसे मत कर, मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। प्लीज डोंट डू दिस। कौन सा मार्च खाकर पैदा किया था ऐसा केकड़ा बेटा, कैसा बहुत करता है। चुप करो। माँ मैं बाहर जा रही हूँ, किसी से मिलना है। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, दोनों साथ में जाएंगे। मैंने कहा ना मुझे अकेले जाना है। अरे तानी ऐसे कैसे? You're my wife, I'm your husband. दोनों साथ में जाएंगे। मैंने कह दिया ना सम्राट, मुझे अकेले जाना है प्लीज।
बहू ऐसा करते हैं कि हम चलते हैं तुम्हारे साथ। आमी जाएगा ना अपनी तानी के साथ, तुम सब लोग आराम करो। आप क्यों जाएगा तानी के साथ? हाँ जी क्यों जाएंगे आप? भैया मैं मर गया हूँ, उसका हस्बैंड, मैं दिखाऊंगा उसको झांसी। चलिए बैठिए यहाँ पर, बड़ी यहाँ पर। और आप दोनों जाएंगी, आपको पैसा नहीं मिलेगा जो चल रही है दोनों। भाई हम प्यार करते हैं हमारी बीवी से, हमारे प्यार की जरूरत है उसे। ओके आपका ये फटा पुराना फटीचर प्यार सड़ावा है, दुर्गे हमारे प्यार की जरूरत है उसे, है कि नहीं? सम्राट तानी हमारा देवरानी है, हमारा प्यार शाही है, चिड़चिड़ा नहीं, कबाड़ी नहीं हम कोई। हम जाएगा तानी के, कोई नहीं जाएगा मेरे साथ। ओके कोई भी नहीं, मैं अकेले जा रही हूं। बेबी डॉल मेरा जी घबरा रहा है, प्लीज मत जाओ। अच्छा अगर जाना तो मुझे भी साथ लेकर जाओ, इसी शर्त पर। नहीं मैं अकेले जाऊंगी। बेबी डॉल जाओ जाओ मेरी जान, तभी तो जो बिछा के आए उसमें फंसोगी। दुर्घटना घटित होगी बालिके, जो मेरे लिए सुघटना बनेगी। तुम्हारा एक्सीडेंट मेरा लाइफ इंश्योरेंस है बेबी डॉल, एक बार भिड़ोगी तो मेरा फ्यूचर सेट। अरे तुम्हारे हॉस्पिटल पहुंचते तुम्हारे घर वाले भागे भागे यहां पर आएंगे, और हम दोनों को, मुझे तुम्हारे साथ मुंबई लेकर जाएंगे, इससे पहले कि निरंजन फिर से कुछ कर पाए, उससे पहले। अरे ना समझ लड़की, समझ नहीं पाई तुम हमें। तू ही पत्ता, तू ही खेल, तू बाजी, तू ही रेल, छुपुक 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 जो मुझे पूरी जिंदगी ऐश कराएगी। ये क्या है? ईशान हम तुम्हें मनाने की इतनी कोशिश कर रहे हैं, पर तुम हो कि कोई परवाह ही नहीं। तुम भी हार चुके, गलती की जो मम्मी के कहने पे तुम्हें मनाते रहे। सच तो ये है कि तुम डिजर्व ही नहीं करते। बात नहीं करनी है तो ना सही, रहो अपनी अकड़ में। नाउ आई डोंट केयर। नाउ आई डोंट केयर। वाव मतलब जो मैं सोच रहा था उर्मी वो गलत नहीं है। But now even I don't care. Now even I don't care. एक ऑटो तक नहीं है यहाँ पे। बताओ कैसा शहर है झांसी? नहीं आई मीन सम्राट को मैं बोलूंगी अब एटलीस्ट एक गाड़ी तो ले ले कम से कम। ऑटो आ गया। रुको रुको भैया, भैया रुको, अरे रुको ना। इसे क्या लगता है कि मैं इसे पैसे नहीं दूंगी? अजीब है। आगे चल के देखती हूँ, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली होगा। सम्राट ने मुझे बोला था कि झांसी में कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक ऑटो भी नहीं है यार। रियली? वाओ, यहाँ पे भी ऑटो नहीं है।